एरोगेंट बॉय चूला, आइए जानते हैं आगे इस स्टोरी में क्या हुआ। दानिश बहुत गुस्से में था। वो दुआ को अपनी जलती हुई आंखों से देखता है, फिर अमन के सर पर गन रखकर ट्रिगर अपनी उंगली पर रखता है। वहीं अमन के चेहरे पर दूर दूर तक कोई डर नहीं था। दुआ दानिश के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, दानिश जी प्लीज़ प्लीज़ अमन को कुछ मत कीजिए प्लीज़, वो सिर्फ हमसे बात करना चाहता था, प्लीज़ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। दुआ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दुआ की आंखों में आंसू देखकर दानिश गन अमन से हटाकर चिल्लाकर डेविडसन को बुलाता है। डेविडसन के साथ दो गार्ड्स और थे। दानिश गुस्से से कहता है, इसे लेकर जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर। अमन गार्ड से अपने आप को छुड़वाते हुए कहता है, दानिश ओबरॉय, ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जा सकता। दुआ तुमसे प्यार नहीं करती, समझे तुम, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर दुआ के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगे। गार्ड्स अमन को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दानिश भी दुआ का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे होटल से बाहर लाता है। दुआ बस रोए जा रही थी। दानिश दुआ को कार में बिठाकर तेज स्पीड से कार को चलाकर ले जाता है। दुआ उससे कुछ भी नहीं कहती, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दानिश को इतना गुस्से में देखकर उससे कुछ भी कहने की, क्योंकि दानिश बहुत ज़्यादा गुस्से में था। दानिश उसे विला की तरफ नहीं ले जा रहा था। दुआ को डर लगने लगा था, उसका डर और बढ़ गया था। आखिर दानिश उसे कहाँ ले जा रहा है? दानिश दुआ को अपनी एक अलग अपार्टमेंट में लाता है जो मुंबई से बाहर था। दानिश दुआ को कार से बाहर निकालता है तो दुआ सोचती है, ये दानिश जी हमें कहाँ लाए हैं। दानिश दुआ को उस अपार्टमेंट में ले जाता है और डोर लॉक करके दुआ को गुस्से से देखता है। इतनी देर से वो अपने गुस्से को दबाए हुए था और गुस्से से यहाँ से वहाँ टहलने लगता है। दुआ रोते हुए दानिश से कहती है, दानिश जी। दानिश गुस्से में दुआ के दोनों कंधों को पकड़कर दुआ को दीवार से लगाकर कहता है, तुम जानती भी हो मेरी जान निकल गई थी, तुम्हें ना देखकर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें उस अमन से मिलने जाना ही था तो मुझे पता कर जाती। दुआ डर कर कहती है, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो हमें ज़बरदस्ती ले गया था, अमन बस हमसे बात करना चाहता था, पर प्लीज़ अमन को कुछ मत कीजिएगा प्लीज़। दानिश अपनी पकड़ दुआ पर और कसते हुए कहता है, प्यार करती हो उससे, बताओ मुझे दुआ, प्यार करती हो उससे। तो दुआ दानिश की आंखों में देखकर कहती है, नहीं। दानिश चिल्लाकर कहता है, नहीं, अगर प्यार नहीं करती तो इतना क्यों तड़प रही हो। हाँ, दुआ दानिश से कहती है, नहीं दानिश जी, हमारी आपसे शादी हुई है, शादी के बाद किसी और के बारे में ख्याल भी पाप है, अमन कमल अंकल का इकलौता बेटा है, अगर अमन को कुछ हो गया
तो अंकल आंटी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। उन्होंने हमें अपनी बेटी माना है, इसीलिए हम अमन को कुछ ना करने को बोल रहे हैं। प्लीज़ दानिश जी, हमारा विश्वास कीजिए। इतना कहकर दुआ दीवार से टिककर रोने लगती है। दानिश दुआ के पास आकर उसके आंसू पोंछ कर कहता है, दुआ मैं भी इंसान हूँ, अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, डरता हूँ तुम्हें खोने से। दानिश दुआ को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाकर उसके माथे पर हल्के से किस करके उससे दूर हटकर कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें मजबूर करके शादी की, पर क्या कभी तुम्हें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? तो दुआ नम आँखों से दानिश की आँखों में देखकर ना में अपना सर हिलाती है। दानिश दुआ के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, क्या कभी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया? दुआ ना में अपना सिर हिला देती है तो दानिश कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है? क्या तुम मुझसे अलग होना चाहती हो दुआ? तो दुआ दानिश के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है दानिश जी। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया हो और आपको आज ये स्टोरी भी पसंद आ रही हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाले इस स्टोरी के एपिसोड्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। ऐसे ही सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा आप सबके इतने सपोर्ट के लिए। थैंक यू।